दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्सन नेवाडीन सिरप के बारे में, ये क्या काम में आता है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इलेक्सन नेवाडीन सिरप का यूज करना चाहिए और जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके साइड इफेक्ट क्या है और जानेंगे इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है और जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है और जानेंगे साथ ही साथ इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने ML की पैकिंग में ही आता है और जानेंगे साथ ही साथ इसके इलेक्सन नेवाडीन सिरप के एक दिन में कितनी बार इस सिरप का यूज करना चाहिए। हम इस वीडियो में जानेंगे, मेरे यानी अपने दोस्त राजेश, मैं आपको इलेक्सन नेवाडीन सिरप की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को एक सेकेंड को भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इलेक्सन नेवाडीन सिरप के बारे में, ये क्या काम में आता है। इलेक्सन नेवाडीन सिरप एक एंटी गैस्ट्रिक और ये एलोपैथिक दवा है। डॉक्टर लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से खून की कमी होना, मानसिक तनाव पड़ने के बाद याद नहीं रहना, पुरानी याददाश्त नहीं को सही करने में मदद करता है, भूख को बढ़ाने में मदद करता है, पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी महिलाओं में विटामिन मिनरल पोषण को बढ़ाने में मदद करता है। अपच होना, खट्टी डकारे आना, लेटरिंग खुल के ना आना, पेट का फूल जाना, थकान महसूस होना, डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन क्रिया को सही ढंग से रखने में मदद करता है। थायराइड का बढ़ जाना या घट जाना उसको सही करने में मदद करता है। कमजोरी महसूस होना, लेटरिंग खुल के ना आना, कब्ज बनना, पेट का बढ़ जाना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में इलेक्सन नेवाडीन सिरप का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इस सिरप का यूज करना चाहिए और कितने ML इस सिरप का यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को या महिला को 10 ML सुबह शाम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले इलेक्सन नेवाडीन सिरप का यूज करना चाहिए और दिन में दो बार इस सिरप का यूज करना चाहिए, महिला हो या चाहे पुरुष, दोनों को ही इसका यूज करना चाहिए। अब दोस्तों और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस सिरप का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसका साइड इफेक्ट क्या है। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों, आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों जैसे कि जी मिचलाना या उल्टी आना, आपको आँखों पर त्वचा का पीला पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना, पेशाब पीली आना, आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके साल्ट के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों आइडियोसिट पेप्टिन 0.322 mg, मैग्नीशियम क्लोराइड 6.67 mg, मैग्नीशियम सल्फेट 1.33 mg, सोडियम मोटोवेटेड 0.22 mg, जिंक सल्फेट 10.71 mg, हाइड्रोक्लोराइड 0.25 mg, साइना कोवालामिन 0.167 MCI, निकोटिनामाइड 3.33 mg, एंथोलन 0.370 mg, टोटल अल्कोहल 6% ये इसका कंपोजिशन है, इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने ML की पैकिंग में ये आता है दोस्तों 300 ML की पैकिंग में ही आता है। और दोस्तों जान लेते हैं इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय रेप्टोकोस ब्रेडकॉम.इन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में,
इसका एमआरपी प्राइस क्या है? इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों, इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों 282 रुपीज़। ये इसका एमआरपी प्राइस, आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। आप इसको इलेक्शन नेगोडिन सिरप के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मुझे की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।